बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में हैं उनके लिए हम जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर लेके आए हैं जो 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं, मतलब कि 85% आप 2022 के टॉपर बनने वाले हैं। बस आपको थोड़ा संघर्ष करने की जरूरत है, बाकी कुछ भी और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हाँ, 2022 में ही आने वाली क्वेश्चन है, चिंता मत करो क्योंकि आप 2022 के 85% मतलब कि टॉपर बनने वाले हो। 2022 के टॉपर बनोगे आप, समझ रहे हैं ना? मजाक नहीं है इसमें, मजाक नहीं करते हम यार, मजाक है क्या ये भी नहीं जानते आप। वो समझो जो हकीकत है, क्योंकि आपको वो पढ़ना चाहिए जो पेपर में आने वाला है, आपको वो नहीं पढ़ना है जो पेपर में ना पूछा जा रहा है। यार अब कैसे बताया जाए आपको, हम आपके साथ है ना, संघर्ष करना होगा। बस मिलजुल कर बात करेंगे हम लोग, मिलजुल कर हर प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अभी 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 करो करो सब्सक्राइब करो करो सब्सक्राइब करो यार। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि क्या हो, नोटिफिकेशन इसके सेकंड पेपर का जल्दी मिल जाए आपको। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब क्या करना बेटा, ध्यान से देखो। हाँ देखो 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 देखो, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। जब मोस्ट की जब संज्ञा दी जाती है ना तो उसको मोस्ट ही माना जाता है। वो पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन 100% देख लेना। ये बोला गया है माइकेलसन मॉर्ले का प्रयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट। फर्मी ऊर्जा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है मोस्ट मोस्ट, बाकी जो छुड़वा रहा हूं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ई बराबर एमसी स्क्वायर। आदर्श गैस समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट, आदर्श गैस समीकरण मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, समझ रहे ना? इसको पढ़ के जाना है। चलो रट लो बेटा रट, मजाक ना कर रहा, रटना है तुम्हें इन क्वेश्चन को, छोड़ के नहीं जाना। वेग के साथ द्रव्यमान का भिन्नता छोड़ो, आइंस्टीन के प्लांक वितरण के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो यहां है समत विस्थापन के विस्तारण क्या होता है, सम कह सकते हैं, समय विस्तारण टाइम जो कह सकते हैं डिलेशन होता है उसके बारे में, डिलेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट फर्मी, यहां बोला गया फर्मी जिसे हम एफडी, देखो फर्मी डिराक वितरण, फर्मी डिराक ये ड्राक होता है, ठीक है फर्मी ड्राक विकरण, एक होता है वितरण एक होता है विकरण, इन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। फर्मी ड्राक वितरण, फर्मी ड्राक, और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ल्यूवेल प्रमेय क्या होती है सिद्धांत बताना उनके, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉरेंज रूपांतरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट की बात की जा रही है। लंबाई का संकुचन को छोड़ देना है, और ये लॉरेंज रूपांतर की समीकरण का प्रयोग करते हुए नियम आपको नियम बताने हैं, लॉरेंज रूपांतर का प्रयोग करते हुए। वेग जड़त्व प्रमेय, वेग जड़त्व प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेग जड़त्व प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस क्या होती है, आप इसको पढ़ेंगे, आदर्श गैस क्या है, ठीक है। और ये बोला गया है सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म अवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां देखिए, यहां है बॉस आइंस्टीन का वितरण नियम विकरण नियम, दोनों को पढ़ लेना, वितरण नियम विकरण, बॉस आइंस्टीन का नियम के बारे में। और उसके बाद में हम जाने वाले हैं नीचे, ठीक है। और यहां देखिए आप ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का आपको जो नियम है उसका निगमन करना है, वेग वितरण नियम का निगमन करना है बेटा, निगमन, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना। पृथ्वी जड़त्व फ्रेम के बारे में देख लेना है, पृथ्वी जड़त्व फ्रेम निर्देशक तंत्र क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में नीचे देखना है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेना है। द्रव्यमानहीन कण के उदाहरण सहित आपको बताना है, द्रव्यमानहीन कण क्या होते हैं, बोल्ट जमेन एंट्रोपी संबंध उसको देखिए। ये है आपका संख्यांकीय नियंत्रण प्रमुख जो कह सकते हैं अविग्रहित होता है, उसके बारे में आपको याद कर लेना है। और आप ये जो देख रहे हैं आर एम एस स्पीड एंड मोस्ट प्रोबल कह सकते हैं प्रोबल्स स्पीड वैल्यू, इनके बाद जैसे गतिमान, गति का मान जो होता है उसके बारे में, गति क्या होती है, गति का मान क्या होता है, जिसे हम गति और वेग का वितरण कह सकते हैं, वितरण के बारे में आप याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ रहे ना, इन क्वेश्चनों को याद करेंगे। उसके बाद में क्या करना है देखिए, उसके बाद में वेग और वेग कह सकते हैं गति और वेग का वितरण के बारे में याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट्रोपी रेखाओं के डॉपलर पृथक्करण की व्याख्या करनी है, ठीक है, प्रतुलन की व्याख्या करनी है, और डॉपलर जो कह सकते हैं जो डॉपलर प्रतुलन होता है उसके बारे में, ताप की गतिज अभिधारणा क्या होती है यहां पढ़ेंगे, और थर्मोडाइन कह सकते हैं थर्मो कह सकते हैं थर्मोडायनामिक डायनेमिक, ठीक है डायनेमिक होगा, थर्मोडायनेमिक जो
प्रोबेबिलिटी होती है, उस प्रोबेबिलिटी के बारे में जिसे हम प्रयोक्ता बोल सकते हैं, उस सिद्धांत को आपको देख लेना है, उसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। और इसको बॉडी सेंटर को छोड़ दीजिए, कुल ऊर्जा के साथ में यहाँ बोला गया है, कुछ ऊर्जा के साथ में वेग का वितरण, यानी देखो कुल ऊर्जा के साथ में कणों का वितरण क्या होता है ये आप देखेंगे, और आप ये देखेंगे लास्ट में, ठीक है। गैलीलियस लक्षण नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस यही पढ़ना है आपको 85% प्राप्त करने के लिए, बहुत हो गया यही, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को यार, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को जो भी है और फ्रेंड है जो भी है, एक्स वाई जेड एनीवे दोस्त है पड़ोसी है, सबको शेयर कर दो इस वीडियो को।